आज के इस वीडियो में वी टू टॉक अबाउट दी नाइट्रोजन साइकिल देखिए नाइट्रोजन साइकिल आपका बायो जियो केमिकल साइकिल के अंदर आता है तो इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि बायो जियो केमिकल साइकिल होता क्या है इसी के अंदर हमारे पास दो टाइप्स है बायो जियो केमिकल इनके अंदर केशियस एंड सेडिंट्री इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो जानेंगे देन वी विल टॉक अबाउट द नाइट्रोजन एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और एन टू के बारे में देन वी विल टॉक अबाउट द नीड ऑफ नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स को क्यों जरूरत पड़ता है नाइट्रोजन और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिर उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल को कैसे डिफाइन करोगे और इसके अंदर जितने भी पाथवेज़ हैं ना नाइट्रोजन साइकिल के अंदर इन सबको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे फिर उसके बाद हम जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन पाथवे में डिफरेंट पाथवेज में इन्वॉल्व है वन बाई वन जानेंगे देन वी विल टॉक्ट अबाउट द यूरिया फर्टिलाइज़र जो इंडस्ट्री में यूरिया फर्टिलाइजर है ना वो कैसे बनता है नाइट्रोजन साइकिल में उसका इंपॉर्टेंस क्या रोल है एग्रीकल्चर में यूरिया फर्टिलाइज़र्स का क्या रोल है वो सारा जानेंगे एंड लास्ट में हम लोग जानेंगे कि दो पाथवे एक आप लोग को लेफ्ट साइड पर दिख रहा है वो राइट साइड पर पाथवे है ये दोनों पाथवे में देखिएगा स्टेप्स तो सेम है नाइट्रिफिकेशन जो है ना यहाँ पे सेकंड पे आता है और यहाँ पे फोर्थ पे आता है कुछ बुक्स में आपको ये वाला पाथवे मिलेगा कुछ बुक्स में ये दोनों पाथवे सही हैं या इनमें से कौन सा सही है इन सब को हम इस वीडियो में जानेंगे और इस नाइट्रोजन साइकिल को इस वीडियो को देखने के बाद चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो कॉलेज के स्टूडेंट हो एम के स्टूडेंट हो यू पी हो या कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आपके सारे नाइट्रोजन साइकिल का कॉन्प्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल होता है क्या तो इसको समझने के लिए इसका टर्म को तोड़ोगे ना एक एक करके आपको तुरंत समझ में आ जाएगा देखिए बायो मींस होता है लिविंग जियो मीन्स अर्थ यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट मान लो मींस यहां पे केमिकल मीन्स यहाँ मेन मानना न्यूट्रिएंट आर मटेरियल और साइकिल मीन्स पाथ तो कोई भी न्यूट्रिन या एलिमेंट जो सॉयल या एयर एटमोसफियर में प्रेजेंट है वो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंटर करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंटर करने के बाद वो फर्दर डम्पोज होने के बाद अल्टीमेटली वो फिर से उसी फॉर्म में वापस चला जाता है जहाँ से वो आया था तो ये एक साइकिलिक वे में चलता है एंड वी कॉल्ड ए बायो जियो केमिकल साइकिल हमारे इको सिस्टम में हमारे पास दो तरह के बायोजियो केमिकल साइकिल है फर्स्ट है हमारा गेशियस साइकिल गेशियस साइकिल में जो सोर्स या जो रिजर्वियर है ना एटमोसफियर से उनमें उनका सोर्स हो गया उसी तरह से हमारे पास सेकंड है सेडेमेंट्री साइकिल सेडेमेंट्री साइकिल वो साइकिल होता है जिनका रिजर्वियर जो है ना आपका अर्थ अर्थकस्टमीन ज़मीन के नीचे से आपको निकलता हो जिसमें आपका एग्जांपल है फॉस्फोरस हुआ सल्फर हुआ कैल्शियम हुआ ये सारे आपके सेडेमेंट्री साइकिल के अंदर आता है तो इस वीडियो में वी टू टॉक अबाउट दी नाइट्रोजन साइकिल तो, तो सबसे पहले नाइट्रोजन होता क्या है तो नाइट्रोजन इज एन ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर जो है सेवन एटॉमिक मास फोर्टीन पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो और जनरली इसको रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल एन से और अपने प्लेनेट की बात करें या अर्थ की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ नाइट्रोजन जो है ना याद रखिएगा ये नाइट्रोजन गैस एन टू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नाइट्रोजन एलिमेंट है एन टू नाइट्रोजनस गेस है और अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी एट परसेंट ऑफ़ अर्थ एटमोसफियर में जो है ना आपका नाइट्रोजन है जिस तरह से आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर हम देखें तो ट्वेंटी वन परसेंट कार्बन का जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट तो उसी तरह से इसमें सब में सबसे ज़्यादा पोर्शन हमारे नाइट्रोजन का होता है दैट इज़ 78 परसेंट ऑफ द एर्थ एटमोस्फियर स्पेशली टोपोस्फियर में हमारा 78 परसेंट नाइट्रोजन है दस नाइट्रोजन इज द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट ऑन आवर प्लेनेट फिर उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है तो नाइट्रोजन साइकिल हम लोग जानेंगे तो ये एक बायोजियो केमिकल साइकिल है जिसमें आपका एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ना उसको डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि प्लांट्स एनिमल उसको यूज़ कर ले और अल्टीमेटली इसको वापस किया जाता है फिर से एटमोस फियर में और ये बहुत ही कंप्लेक्स प्रोसेस है जिसको आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ठीक है आप ये चीज जानिएगा कि नाइट्रोजन की जरूरत क्यों है वाई देयर इज नीड ऑफ नाइट्रोजन देखिए जितने भी एलिमेंट्स प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट वाई क्योंकि जो आपके प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड जो आपके अमाइनो एसिड डी एन ए आर एन ए इन सब में नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ़ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट याद रखिएगा अगर किसी प्लांट को नाइट्रोजन की कमी हो जाइए तो उसका प्लांट का जो है ना लीव जो है ना वो येलोइश कलर का हो जाता है और वो प्लांट छोटा रह जाता है अल्टीमेटली आपका फ्रूट फ्लावर का प्रोडक्शन बहुत कम होता है और ये चीज़ भी है कि जो यूरिया फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ करते हैं साइंटिस्ट का इस्टिमेट है कि अगर यूरिया फर्टिलाइजर को अगर यूज़ करना बंद कर दिया ना पूरी वर्ल्ड की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है ना वन थर्ड से जाना वुल बी लॉस्ट तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट दी नाइट्रोजन साइकिल देखिए नाइट्रोजन साइकिल बायोजियोकेमिकल के अंदर हमारा गेशियस साइकिल के अंदर आता है तो इनका मेन रिजर्वियर हमारा सोर्स जो है ना वो एटमॉसफियर में है दैट इज द देंटू फॉर्म नाइट्रोजनस गेस सेवेंटी एट परसेंट है और यहाँ पे जो दो नाइट्रोजन जो है ना तीन बॉन्ड्स आपस में जुड़ा रहता है और ये इन बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है का, में बहुत बड़ा एनर्जी लगता है और जनरली जितने भी प्लांट्स प्लान्ट एनिमल जो है ना इस एंटू को डरेली यूज़ ही नहीं कर सकता अपने प्रोटीन्स एसिड्स बनाने के लिए तो सबसे पहला हमारा काम किया कि नाइट्रोजन गेस को ऐसे फॉर्म में ले आना है दैट इज द अमोनियम आयन नाइट्रेट या नाइट्राइट में ताकि प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर पाए तो नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स में सबसे पहला हमारा है दैट इज़ ए नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम क्या करते हैं जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको ऐसे फॉर्म में ले आते हैं ताकि प्लान इसको एब्जॉर्ब कर पाए या आपका सॉइल में जो बैक्टीरिया होता है एक्सेप्शनल बैक्टीरिया या एटमॉस्फेयर में थंडरिंग के टाइम या इंडस्ट्री में यूरिया जो बनाते हैं इन प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है मीन्स डाई नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है उसको ऐसे फॉर्म में ले आते हैं ताकि प्लान इसको एब्जॉर्ब कर पाए फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा नाइट्रोजन साइकिल के अंदर है नाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन में होता क्या है जो अमोनियम आयन है ना मोस्ट ऑफ द प्लांट के लिए एब्जॉर्ब इनको अच्छे से नहीं कर पाता एक्सेप्शनल कॉनिफेरस फॉरेस्ट में ये अमोनियम आयन को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है फर्दर नाइट्राइट फिर उसके बाद नाइट्रेट जो है ना कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया और ये प्रोसेस आपका सॉइल में चलता है दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ अमोनियम आइन इंटू नाइट्रेट ताकि उसको प्लांट अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए वी कॉल इट ए नाइट्रिफिकेशन फिर उस नेक्स्ट हमारा आता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन नाइट्रोजन एसिमिलेशन में होता क्या है जो प्लांट ने सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन या नाइट्रेट प्लांट ने एबजॉर्ब करा अब प्लांट जो है ना अपने प्रोटीन्स डीएनए, आरएनए बनाने में यूज़ करता है एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन एसेमिलेशन फिर नेक्स्ट हमारा आता है अमोनिफिकेशन जब आपके प्लांट्स और एनिमल डेथ कर जाएंगे उनमें सोर्स ऑफ जो नाइट्रोजन है प्रोटीन अमाइनो एसिड्स वो लॉक रहेंगे कैसे नहीं प्रोटीन्स पहले आपका डिकम्पोज होता है अमाइनो एसिड्स में फिर बाद में अमायनो एसिड जो है ना फिर से आपका फर्दर ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया इन अमोनियम आइन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन फिर लास्ट में हमारा आता है डी नाइट्रिफिकेशन में जो सोर्स ऑफ नाइट्रेट जो नाइट्रोजन है सॉरी नाइट्रेट मान लीजिए ये प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और एन एरोबिक कंडीशन में चला गया जहाँ पे ये बैक्टीरिया अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम आपका क्या होगा यहाँ पे दूसरा बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया आता है एन बैक्टीरिया वो नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड फिर नाइट्रस ऑक्साइड एट अल्टीमेटली नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है मीन्स जहाँ से हमने स्टार्ट करा था लास्ट में जाके नाइट्रोजन फिर से बन रहा है तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल ये बिल्कुल सिंपल स्टेप है आगे हम पूरे इम्पोर्टेंट जो इसके रिएक्शंस हैं बैक्टीरिया कौन कौन से इन्वॉल्व है वो नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे तो ये आपका नाइट्रोजन साइकिल है देखिए अभी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ये नाइट्रोजन साइकिल बट ये बहुत ही आसान है अभी हम लोग इस चीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे अभी के लिए फिलहाल आप इन जैसे कि अमोनिया को मैं यहाँ पे इन साइकिल में रिप्रेजेंट करूँगा एन से अमोनिया माइन को एन पॉजिटिव से नाइट्राइट को एन नेगेटिव से और नाइट्रेट को एन नेगेटिव से और ये नाइट्रेट जो है ना मेनली प्लांट एब्जॉर्ब करता है इस चीज़ को यहाँ से या चलिए नाइट्रोजन साइकिल को आप विध रिएक्शन समझते हैं जिससे आपको चीज़ें और क्लियर होगा और ये चीज़ें आपको अभी कंप्लेक्स साइकिल लग रहा था वो बहुत ही सिंपल लगेगा तो नाइट्रोजन में सबसे पहले एटमोस्फेिक नाइट्रोजन को हम ऐसे फॉर्म में ले जाते हैं ताकि प्लांट एब्जॉर्ब कर पाए दैट वी कॉल्ड इट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन और इसमें हमारा तीन प्रोसेस के थ्रू होता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन फिर नेक्स्ट हमारा होता है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हैबर बॉश प्रोसेस जिसे भी कहते हैं थर्ड है हमारा फिजोलॉजिकल फिक्सेशन तो सबसे पहले बायोलॉजिकल फिक्सेशन में क्या होता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं सिर्फ बैक्टीरिया ही है यहाँ पे याद रखिएगा नॉन सिम्बायोटिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जिटोबैक्टर हुआ आपका या आपके दूसरे बेसिलस के एक स्पीशीज हुआ उसी तरह से नोस्टाक है या एना ना है ये सॉइल में फ्रीली आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है दूसरी और हमारा कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जैसे कि आपका लिग्युमिनस प्लांट में राइजोबियम बैक्टीरिया नॉन लिग्युमिनस प्लांट में आपका फ्रेंकिया अनस केलनस के रूट के साथ अटैच रहता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराता है और यहाँ पे याद रखिएगा इन का जो स्टेप जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है विद्याल परफॉर्म में इंपॉर्टेंट इंजाइम होता है दैट इज़ दी नाइट्रोजिनेस इंजाइम और यहाँ पे ये प्रोसेस अभी आप लोग देखते हैं नीचे देख सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक में जो नाइट्रोजन है हमारे पास एन टू जो कि तीन बाउंड से जुड़ा हुआ है फर्स्ट इसमें दो हाइड्रोजन जुड़ता है फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में एन एच एन एच हुआ इसमें फिर से दो हाइड्रोजन जुड़ता है तो वह वो आपका एन एस टू एन एच टू फिर लास्ट में दो हाइड्रोजन फिर से जुड़ेगा अल्टीमेटली हमारे एक नाइट्रोजन से हमारे पास टू मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनता है अमोनिया इज इन ए गेस और ये अमोनिया बाद में एसिडिक इन्वायरमेंट में एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है और याद रखिएगा ये प्रोसेस जो है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है अराउंड सिक्सटीन ए लगता है एक बैक्टीरिया को ये पूरा प्रोसेस कम्प्लीट करने में अमोनिया में कन्वर्ट करने में और यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने इंजाइम बताया दैट इज द नाइट्रोजेज इंज़ैम दैट इज़ वेरी सेंसिटिव टू दी ऑक्स मोलिकुलर ऑक्सीजन इसीलिए इन बैक्टीरिया में रूट नॉड्यू लेग्युमिनस प्लांट में आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पिकमेंट है लैक हेमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को बिल्कुल कंट्रोल के साथ देता था कि नाइट्रोजनीस इंजाम इंपैक्ट ना करे उसी तरह से हमारे पास हिट्रोसिस बना रहता है नौ स्टॉक में जहाँ पे आपके जिस सेल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ठीक है तो अल्टीमेटली हमारे पास बायोलॉजिकल में कुछ बैक्टीरिया है जो कि अमोनिया में कन्वर्ट कर दे रहा है नेक्स्ट हमारा है इंडस्ट्रियल प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैबर बॉच जो दो साइंटिस्ट उन्होंने डिस्कवर करा था इसमें क्या होता है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को हम एक बड़े से फर्नेस में डाल के उसको एक फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड टेम्परेचर पर इनको और वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड एटमोस्फरिक प्रेशर दे के इनको जब रिएक्ट कराते हैं विद हेल्प ऑफ सम कैटलिस्ट तो ये अमोनिया में कन्वर्ट होता है वही अमोनिया बाद में जाके याद रखिएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स कर देते हैं तो हमारा यूरिया बनता है जो कि वाइट कलर का होता है जिसे हम एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं बाद में इसी यूरिया को जब हम सॉइल में छिड़क देते हैं ठीक है एज ए फर्टिलाइज़र वाटर में जो जो सॉइल में वाटर है उसके साथ रिएक्ट करके हमारा अमोनियम आयन बन रहा है मींस हमारा नाइट्रोजन गैस जो है ना हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा फिर नेक्स्ट हमारा है फ़िजोकेमिकल फिक्सेशन फ़िजोकेमिकल फिक्सेशन याद रखिएगा ये थंडरिंग के टाइम जब आपका लाइटनिंग होती है उस टाइम उस एनर्जी को यूज़ करके जो है ना ये वाला प्रोसेस चलता है उसमें होता क्या याद रखिएगा जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ना ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जो लाइटनिंग के टाइम जो लाइट आती है यू वी रेज को यूज़ करके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ विद्यालय रिएक्ट करके दैट विल फॉर्म द नाइट्रोजन पारोक्साइड यही नाइट्रोजन पार ऑक्साइड जब बारिश आती है तो ये आपके एसिड बनाते हैं नाइट्रिक एसिड

and i request you to subscribe my channel that is the biology by dr imtiaz thank you so much चलिए अब हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है नाइट्रिफिकेशन देखिए हमने पहले ही कहा कि अमोनियम आयन जो है ना मोस्ट ऑफ द प्लांट अच्छे से एब्जॉर्व नहीं कर पाता तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में कुछ हमारे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है फर्स्ट ये टू स्टेप प्रोसेस है इसमें अमोनियम आयन को जो है ना विद्य हल्प ने नाइट्रोसिफायर्स इन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं नाइट्रोसोमोनास हुआ या आपका नाइट्रोकोकस हुआ इन बैक्टीरिया के माध्यम से जो है ना अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते है। हैं याद रखिएगा ये सॉइल में होता है ये नाइट्राइट अभी भी अच्छे से प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो ये नाइट्राइट को फर्दर जो है ना विद्याल्पॉब ऑफ्स अनदर बैक्टीरिया दैट वी कॉल्ड इन ए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर हुआ नाइट्रोसिस्टिस हुआ इन बैक्टीरिया के माध्यम से ये नाइट्राइट जो है ना NO3 ओ थ्री दैट इज नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस और यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा जो आपके इन्सेक्टेवरियस प्लांट्स होते हैं ना जनरली एन एरोबिक कंडीशन में होता है यहाँ पे ये बैक्टीरिया आपका प्रेजेंट नहीं रहता है अमोनीफाइंग बैक्टीरिया तो उन प्लांट्स में अगर अमोनिया छिड़क भी देंगे तो ये प्रोसेस होगा ही नहीं तो वो प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन डिमांड कैसे कंप्लीट करता है वो प्लांट जो है ना इंसेक्ट्स को जो है ना वो कैच कर लेता है टू मीट दियर नाइट्रोजन डिमांड देखिए इंसेक्ट को इसलिए खाते हैं फूड के लिए नहीं ये फूड अपने से बना सकते हैं नाइट्रोजन सोर्स को अपना पूरा करने के लिए इन्सेक्टिवोरियन प्लांट जो है ना वो फीड करता है इंसेक्ट्स के ऊपर यहाँ से याद रखिएगा ठीक so, है तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है दैट इज नाइट्रोजन एसेमिलेशन देखिए अभी हम लोगों ने कहा कि जो नाइट्रेट है दैट इज रीडली अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट जैसे ही प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा अब नाइट्रेट विद इन द साइटोप्लाजम जो है ना नाइट्रेट जो है ना आपका विद्याल विद्यालय इंपॉर्टेंट इन्जाइम नाइट्रेट रिडक्टिस नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है ठीक है याद रखिएगा नाइट्राइट में फिर ये नाइट्राइड जो है ना प्लास्टेट में जाता है और प्लास्टेट में जाके दिस नाइट्राइट विद द हेल्प ऑफ़ इंजाइम नाइट्राइड रिडक्टेस ये प्लांट सेल के अंदर हो रहा है ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है फिर अमोनियम आयन जो है ना विद द हेल्प ऑफ इंपॉर्टेंट इंजाइम गुलटामिन सिंथीटेस ये आपका अमोनियम आयन जो है ना रिएक्ट करता है गुलटामीट के साथ एंड दैट फॉर्म दी गुलटामिन फिर यही गुल्टामीन से हेल्प ऑफ बाद में गुल्टामीन ऑक्जो ग्लुटेरेट अमाइनो ट्रांसफरेज़ गोगाट जिसे कहते हैं इसके माध्यम से डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनते हैं और यही अमाइनो एसिड्स को बाद में प्लांट के प्रोटीन्स बनाने में डी बनाने में आर में काम लाया जाता है तो फिर नेक्स्ट इसके बाद हमारा प्रोसेस है जैसे कि आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं अल्टीमेटली वो डाई कर जाएगा डेथ एंड डीके करेगा तो उसमें जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है प्रोटीन जो न्यूक्लिक एसिड है वो फर्दर आपका क्या होगा ब्रेक डाउन होगा तो सबसे पहले प्रोटीन जो है आपका डिपम्पोज होगा अमाइनो एसिड में फिर ये अमाइनो एसिड से बाद में जाके फिर आर अमोनियम आयन बनता है दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन फ्रॉम द सोर्स ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड वी कॉल्ड इट इन एन अमोनिफिकेशन एंड दिस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम इंपॉर्टेंट अमोनिफाइंग बैक्टीरिया इसमें याद रखिएगा बेसिलस माइक्वाइट्स बेसिलस वलगेरिस बेसिलस रेमोसस ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो कि अमोनिफिकेशन में मदद करता है मींस अमाइनो एसिड से अमोनिया बनाने में फिर ये अमोनियम आयन बाद में क्या करेगा फिर से नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू ये अब बाद में जाके आपका साइकिल जो है यहाँ से फिर से चलेगा नाउ लास्ट में हमारा नाइट्रोजन साइकिल के अंदर आता है दैट इज़ दी पाथवे वे डी नाइट्रिफिकेशन और डी नाइट्रिफिकेशन क्या प्रोसेस है इसमें अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को हम एन टू में कन्वर्ट कर देते हैं याद रखिएगा तो जनरली मान लीजिए इसको स्टेप को समझने के लिए यहाँ पे सिंपल सा है ये नाइट्रेट है दैट इज़ अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट मान लीजिए प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और ये एन एरोबिक कंडीशन में चला गया तो वहाँ पर तो प्लांट्स के रूट भी नहीं होंगे तो फिर ये नाइट्रेट जो है कैसे कन्वर्ट होगा तो ये साइकिल में कैसे वापस लिया जाएगा तो वहाँ पर हमारे एन एरोबिक बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है आज सबसे पहले आपके नाइट्रेट को जो है ना नाइट्राइड में कन्वर्ट कर देता है एनओ थ्री नाइट्राइड में फिर ये नाइट्राइड जो है ना नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड बाद में नाइट्रस ऑक्साइड में अल्टीमेटली हमारे पास नाइट्रोजन आता है नाट्र, डाई नाइट्रोजन जो कि एटमोस्फियर में है वो गैस फॉर्म में नाइट्रोजन में रिलीज होता है तो ये हमारा साइकिल कंप्लीट हुआ चलिए दैट इज़ ऑल अबाउट दिन नाइट्रोजन साइकिल और स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दो पाथवे दिखाया था कुछ बुक्स में ये वाला पाथवे मिलता है और कुछ बुक्स में ये वाला पाथवे इस पाथवे के हिसाब से तो हम लोगों ने अभी डिस्कस कराई ये कब सही होगा जब हम यूरिया एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो सॉइल में अमोनियम आयन रिलीज़ होगा याद रखिएगा या फ्री लिविंग वाले में जैसे कि ये वाला नॉन सिम्बाइटिक वाले में भी आपका अमोनियम आयन रिलीज़ होता है तो उस टाइम ये वाला स्टेप फॉलो होगा पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन फिर नाइट्रिफिकेशन फिर एसेमिलेशन फिर अमोनिफिकेशन होगा बट वट इन द केस ऑफ सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक में तो अमोनियम आयन बाहर रिलीज़ नहीं हो रहा कहाँ पे होता है प्लांट के अंदर होता है वो बैक्टीरिया तो प्लांट के अंदर पहले ही आपका क्या होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन होता है इस स्टेप से पहले तो यहाँ पे नाइट्रोजन एसिमिलेशन होगा फिर अमोनिफिकेशन होगा फिर उसके बाद नाइट्रिफिकेशन होगा फिर जाके डीनाइट्रिफिकेशन होगा मींस आपके सिंबायोटिक के, के केस में और लाइटनिंग में जो आपका कैल्शियम नाइट्रेट बनना इनके केस में अगर हम नाइट्रेट इज ए सोर्स या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को कंसिडर करेंगे तो हमें ये वाला पाथवे जो है ना इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा तो ये दोनों पाथवे सही है डिपेंड करता है कि आप किस को स्टार्टिंग में कंसिडर कर रहे हैं ठीक है और इसका जो पूरा पी जो है ना नाइट्रोजन साइकिल का लगभग चार पेज इसका है अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहिए या जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैंने अभी तक अपलोड करा है ना उन सब का पी चाहिए होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वहाँ पे एक नॉमिनल सा चार्ज देके इन सारे पीडीएफ को जो है ना आप लाइफ टाइम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही हम लोगों ने एक बुक भी लिखा हुआ है लॉर बॉटनी के ऊपर माइक्रोब्रिप्टो गेम्स और जिमनोसपम इस बुक की यूनिक फीचर्स की बात करें तो इस बुक में जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्क्राइब करा हुआ है ना वो ब्लड पॉइंट फॉर्म में है सेकेंड चीज़ इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा ये बुक का कंटेंट है यहां से आप देख सकते हैं और साथ ही फ्यूचर में बायोलॉजी के कंप्लीट वीडियो लेक्चर का कोर्स भी ना आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेगा वेबसाइट का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से जाके आप सारा चेक कर सकते हैं थैंक यू सो मच